दर्शन की 65वीं कक्षा, योग दर्शन के द्वितीय पाठ साधन पाठ के 21 सूत्र पीछे हुए थे। और पीछे ये बताया गया था कि दृष्टा और दृश्य का संयोग हेतु है। इसमें दृश्य का स्वरूप बताया और फिर दृष्टा का स्वरूप बताया। और अंतिम सूत्र में ये कहा गया था कि उस दृष्टा के लिए ही दृश्य का स्वरूप होता है, दृश्य का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, दृष्टा के लिए ही वो होता है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। तो यहां तक के पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी, सांख्य दर्शन में अहंकार से 16 पदार्थ बताए थे बनने के लिए, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 1 मन। तो उस हिसाब से तो 16 पदार्थों को या तो विशेष कहें या अविशेष कहें। यहाँ 11 को कह दिया अविशेष और 5 को कह दिया तन्मात्राओं को अविशेष। तो ये थोड़ा सा इसको यूं समझिए, आप नीचे से समझिए। पहले जिनको विशेष कहा, विशेष मतलब जो अंतिम बने हैं, तो अंतिम इधर तो 11 इंद्रियां बनी हैं, क्योंकि उनके बाद में कुछ और नहीं बना है। मैं सांख्य की दृष्टि से ही बोल रहा हूँ, ये केवल आपको देखने का तरीका बदलना है, बाकी सांख्य वाली ही बात यहाँ पर कही गई है। आपका प्रश्न ये है कि अविशेष में इन 6 को क्यों लिया गया, 6 को क्यों लिया गया, 6 में भी खास तौर से जो 5 तन्मात्राएं हैं, ये साम्यता क्या देख रहे हैं? अहंकार से 11 इंद्रियां भी उत्पन्न हुई हैं और अहंकार से 5 तन्मात्राएं भी उत्पन्न हुई हैं। तो अगर विशेषों को लेना था तो 11 और 5, 16 तो है ही महाभूत, और ये 5 तन्मात्राओं को भी लेना चाहिए था। या तो आप नीचे से देखिए, विशेष का मतलब है जो अंतिम तत्व बन गए हैं, 11 इंद्रियां बनी हैं और 5 महाभूत बने, ये अंतिम है। इन 11 के अतिरिक्त कोई अंतिम चीज है नहीं, है ना? 5 तन्मात्राएं इसमें नहीं आ सकती हैं, ठीक है? तो इसलिए इनको 16 को ही, 11 इंद्रियां और 5 महाभूतों को ही विशेष कहा गया है। अब तन्मात्राएं इसमें नहीं आएंगी। अब इनका प्रश्न था कि 5 तन्मात्राएं भी तो अहंकार से बनी है, 11 इंद्रियां भी अहंकार से बनी है, उनको तो विशेष कह दिया, और 5 तन्मात्राएं भी अहंकार से बनी है तो उनको भी तो विशेष में ले लेना चाहिए। तो उनको तो नहीं लिया, महाभूतों को लिया। तो विशेष में किनको लिया जाता है? जो अंतिम तत्व है, जिनसे आगे तत्वांतर नहीं होता, तत्वांतर परिणाम नहीं होता। तो 5 तन्मात्राएं भले ही अहंकार से उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि 11 इंद्रियां भी अहंकार से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन उनको विशेष नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अंतिम तत्व नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दिया। अच्छा, अब 11 इंद्रियां विशेष हैं, वो किससे उत्पन्न हुई? अहंकार से, तो इसको कह दिया इन्होंने। और इधर 5 महाभूत विशेष में आए हैं, ये किससे उत्पन्न हुए हैं? तन्मात्राओं से। अब इसको हम अहंकार से नहीं कहते, परंपरा से तो अहंकार से आ रहे हैं, लेकिन इनके तत्काल पूर्व वाला कारण क्या है? वो 5 तन्मात्राएं हैं। तो ये विशेष जिनसे उत्पन्न हुए हैं वो अविशेष है, और वो 6 हो गए, 1 अहंकार और 5 तन्मात्राएं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सांख्य की उस बात का निषेध कर रहे हैं कि अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, उसका निषेध नहीं कर रहे, कहीं भी नहीं किया है। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो 11 इंद्रियां और 5 महाभूत ये विशेष ही कहलाएंगे, और ये जिनसे बने हैं तो अहंकार और 5 तन्मात्राएं अविशेष कहलाएंगे, ठीक है? यहाँ जो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि, सबके कार्य हमको मालूम पड़ते हैं, लेकिन बुद्धि मत बोलिए, चित्त, तो सबके हमको कार्य मालूम पड़ते हैं, लेकिन जो कार्य मतलब उपयोगिता, उपयोगिता, हाँ। लेकिन जो 5 इसमें सूक्ष्म शरीर में 5 जो तन्मात्राएं हैं, उनकी क्या उपयोगिता है वो पता नहीं चलता सूक्ष्म शरीर में। जी हाँ, ठीक है। वैसे ये प्रश्न एक उस तरह का सीधे सीधे नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक अलग इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 5 तन्मात्राओं की हमारे अंदर क्या उपयोगिता है? 5 तन्मात्राएं हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग है, सप्तदशैकम लिंगम, 17 या 17 और 1 18, ये सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर का के घटक माने गए सांख्य दर्शन,
योग भी उसका निषेध नहीं करता, मानेगा, हालांकि वो चर्चा नहीं आती है इसके अंदर। तो उसमें 18 तत्व हैं, तो 5 ज्ञानेन्द्रियां पता है हमें, कर्मेंद्रियां भी पता है, मन बुद्धि अहंकार का भी कार्य पता है। ये 5 तन्मात्राएं क्या करती हैं, वो इस सूक्ष्म शरीर में क्यों आई हैं, वो सूक्ष्म शरीर के घटक द्रव्य क्यों हैं, ये एक प्रश्न रहता है, वो पूछ रहे हैं आखिर उनका प्रयोजन क्या है। इसका सीधे सीधे कोई उत्तर शास्त्र में या भाष्य में मेरी जानकारी में नहीं मिला है, लेकिन इसके लिए कुछ उत्तर दिए जाते हैं, कुछ संगति लगाई जाती है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बाकी विचारणीय अनुसंधेह है कि यही उत्तर है या कुछ और भी हो सकते हैं। एक उत्तर तो ये दिया जाता है कि सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर एक शरीर की तरह से, शरीर एक आधार होता है, और आधार होता है किसी चीज के वहन करने के लिए, लाने ले जाने के लिए, जैसे कि ये हमारा स्थूल शरीर है, ये भी एक हमारा आधार है, इसमें इंद्रियां रहती हैं, इसमें आत्मा रहती है इत्यादि। तो शरीर क्या होता है, वाहन की तरह से है। तो शरीरम रथमेव तु की तरह से, शरीर एक रथ की तरह से, वाहन की तरह से है, लाने ले जाने वाला। तो सूक्ष्म शरीर में जो 13 इंद्रियां हैं, उनको स्थान आधार देने के लिए ये 5 सूक्ष्म भूत होते हैं, शरीर की तरह से स्थूल रूप में आधार प्रदान करते हैं, और उसी पर आश्रित रहते हुए ये 13 इंद्रियां, फिर जब आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर आता जाता है, ये आत्मा जब भी एक शरीर से दूसरे शरीर में मृत्यु के बाद में जाती है कर्मानुसार, जिसमें सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है और उसी के आधार से आत्मा भी जाती है, सब साथ जाते हैं। तो इन सबको एक आधार देने के लिए ये 5 तन्मात्राएं हैं, ठीक है, ये एक उत्तर है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा होती है, और सूक्ष्म शरीर के बाद में हमें स्थूल शरीर भी मिलता है। सूक्ष्म इंद्रियां 11 और 2 और मान लीजिए 13 है, अंतःकरण सर मिला के 13 है। इन सब के हमारे गोलक हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय है तो नेत्र गोलक है, श्रोत्र इंद्रिय है तो कान है हमारे, ये सब जो रचना बाहर की दिखाई देती है। तो बाहर ये स्थूल चीजें हैं और अंदर सूक्ष्म चीजें हैं इनके, स्थूल का आधार सूक्ष्म बनता है। ये जो स्थूल नेत्र हैं, स्थूल त्वचा है, ये तब संगत हो पाती है, क्रियाशील हो पाती है, जब अंदर सूक्ष्म हो, उस सूक्ष्म के आधार पर ये इनकी रचनाएं होती हैं, उनसे जुड़ करके होती हैं, ठीक है। तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार के गोलक, मस्तिष्क मान लीजिए आज की भाषा में कहें तो, उस सब का आधार वो सूक्ष्म है। लेकिन इस शरीर में जो 5 भूत हैं, चाहे वो उपादान रूप में हो चाहे संयोग रूप में हो, लेकिन 5ों तो हैं यहां पर, वो किस आधार पर टिके हुए हैं? तो कहते हैं ये 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं के आधार पर टिके हुए हैं। सूक्ष्म शरीर की 5 तन्मात्राएं अंदर विद्यमान हैं, और उनको विकसित करने, उनके साथ में ये महाभूत आदि जुड़ चुके हैं, उसमें अंदर जोड़ने का सूक्ष्म रूप में काम करती है ये सूक्ष्म भूत। तो सूक्ष्म भूतों में पृथ्वी यानी गंध तन्मात्रा है, तो उसको आश्रय बना करके पृथ्वी वहां पर संगठित हो जाएगी, जुड़ जाएगी, कुछ एक बिंदु चाहिए, पॉइंट चाहिए जहां जुड़ करके वो विकसित हो चुके हो सके। तो ऐसा गंध तन्मात्रा हो गया। रस तन्मात्रा है, उसको आधार बना करके जल तत्व इकट्ठा हो जाता है स्थूल भूत। तो जैसे इंद्रियों का सूक्ष्म इंद्रियां हैं तो गोलक स्थूल हैं, और वो गोलक स्थूल सूक्ष्म का आधार बना करके कार्य कर पाते हैं, चल पाते हैं, ऐसे ही स्थूल 5 महाभूत सूक्ष्म भूतों का आश्रय करके संगठित हो पाते हैं, शरीर का निर्माण कर पाते हैं। और ये जैसे स्थूल शरीर है तो अंदर सूक्ष्म शरीर है, और इधर 5 महाभूत है तो वहां पर 5 तन्मात्राएं हैं, ऐसे ये भी एक उत्तर दिया जाता है, ठीक है। और किन्हीं को पूछना, कुछ
आचार्य जी प्रश्न सूत्र संख्या 19 19 इसमें जो चौथा अनुच्छेद है अलिंगावस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु, तो इसमें बताया था कि जो अलिंग अवस्था के लिए पुरुषार्थ हेतु नहीं है और जो तीन और अवस्थाएं हैं विशेष अविशेष और लिंग, इनके लिए पुरुषार्थ कारण है बताए थे। तो जब अलिंग से लिंग बन रहा होता है तो उसका क्या कारण है? पुरुषार्थ है। अलिंग से जब लिंग बन अलिंग से जब लिंग बना यानी महतत्व बना बुद्धि तत्व बना तो उसका तो कारण पुरुषार्थ है ही। यदि इस दृष्टि से देखेंगे तो फिर अलिंग का कारण तो पुरुषार्थ ही मानना पड़ेगा क्योंकि और नहीं, अलिंग का कारण नहीं है। देखिए इसको यूं देखिए, आपने कहा कि पुरुषार्थ के कारण से अलिंग से लिंग बना हो गया तो महतत्व बना, तो महतत्व है कार्य और अलिंग प्रकृति है अव्यक्त कारण। तो कारण से जब कार्य बना इसमें कौन कारण है? मूल प्रकृति से जो कार्य द्रव्य प्रथम कार्य द्रव्य महतत्व बना इसमें कारण क्या है? पुरुषार्थता। तो पुरुषार्थता महतत्व के बनने में कारण है, मूल प्रकृति के लिए कारण नहीं कही जाएगी। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा बना, घड़े के बनने में कुम्हार कारण है। तो ये कुम्हार घड़े के बनने का कारण है, मिट्टी से वो घड़े को बनाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि कुम्हार मिट्टी का भी कारण बन जाए। कुम्हार ने, कुम्हार भी एक निमित्त है, कारण है, उसने मिट्टी से घड़े को बनाया तो घड़े का कारण तो ये कहा जा सकता है लेकिन मिट्टी का कारण नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही पुरुषार्थता कार्य द्रव्य मैं तत्व के बनने में कारण है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो मूल प्रकृति के बनने में उपादान कारण का भी कारण है। यदि उसका भी कारण माना जाएगा तो वो अनित्य हो जाएगा। वो नित्य है, वो तो सदा से है। जब हम अलिंग को भी कारण वाला मानेंगे, पुरुषार्थता मानेंगे, इसका मतलब है अलिंग की उत्पत्ति में निर्माण में रचना में पुरुषार्थता कारण है और वो कारण हो गई तो वो अनित्य हो जाएगा। फिर उसका उपादान कारण कोई और होगा जो कि नित्य हो सकता है लेकिन कम से कम प्रकृति मूल प्रकृति अव्यक्त प्रधान तो अनित्य हो जाएगा। तो ये कोई बात नहीं होती कि मूल प्रकृति से यानी अलिंग से लिंग बना है उसमें पुरुषार्थता कारण है तो प्रकृति अलिंग भी कारण वाला हो गया, ये कोई बात नहीं है। आचार्य जी ये प्रश्न इसलिए उठ रहा था क्योंकि जो मूल प्रकृति है सत्व रजस्तम इनसे ये सारे बन रहे हैं और इन तीनों का हम कारण बता रहे हैं पुरुषार्थ और अलिंग का और तो कोई प्रयोजन नहीं है इसके अलावा। तो जब ये तीनों पुरुषार्थ के कारण हैं और अलिंग से ही ये बन रहे हैं तो अलिंग और किसी प्रयोजन के लिए है ही नहीं, केवल पुरुषार्थ के लिए ही है। अलिंग का और कोई प्रयोजन नहीं है, ये बात ठीक है। अलिंग से कार्य जगत उत्पन्न हुआ, मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ और यदि कार्य जगत उत्पन्न नहीं होता तो मूल प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है उसका, निरर्थक है। ये बात अपनी जगह ठीक है, इसका निषेध नहीं किया जा रहा है। इस रूप में देखेंगे तो परंपरा से मूल प्रकृति भी जीवों के लिए है, ठीक है, आपकी ये प्रस्तुति है और ये अपनी जगह ठीक है बात, इसका निषेध नहीं किया जा रहा है। लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से देखिए कि मूल प्रकृति की स्थिति सत्ता किस कारण से है। मूल प्रकृति जीवों के लिए है, पुरुषार्थ के लिए है, ये तो ठीक बात है लेकिन मूल प्रकृति की सत्ता विद्यमानता किस कारण से है? यदि पुरुषार्थता नहीं हो तो मूल प्रकृति समाप्त हो जाएगी। जैसे कार्य जगत, व्यतिरेक से देखिए उल्टा करके, जैसे कार्य जगत के पीछे पुरुषार्थता कारण है मान लिया और यदि पुरुषार्थता नहीं होगी तो कार्य जगत का क्या होगा? कार्य जगत नहीं रहेगा ना। क्या मूल प्रकृति भी यदि पुरुष के लिए है और पुरुष का प्रयोजन ना रहे तो मूल प्रकृति का क्या होगा? वो भी नष्ट हो जाएगी। क्यों? जब कार्य जगत की चीजें पुरुष के लिए हैं और पुरुष का प्रयोजन नहीं रहा तो वो नष्ट हो जाती है तो मूल प्रकृति क्यों नहीं होती है? वो भी होनी चाहिए।
तो इस बात को पुरुषार्थता को दो भागों में बांट के देखना है। आप देख रहे हो केवल उसकी प्रयोजनता की दृष्टि से, तो मूल प्रकृति हमारा हित करती है, प्रयोजन की है वो, परंपरा से हमारा हित करती है, इसलिए वो पुरुषार्थ है। लेकिन उसकी सत्ता पुरुषार्थता के कारण से नहीं है, उसकी विद्यमानता में पुरुषार्थ हेतु नहीं है। कार्य जगत की विद्यमानता में पुरुषार्थ हेतु है, उनकी उत्पत्ति पुरुषार्थता के कारण से, लेकिन मूल प्रकृति के लिए ये नहीं कह सकते कि पुरुषार्थता के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है, वो तो सदा से है, सदा से रहेगी। तो यहां जो पुरुषार्थता है हेतु, वो उत्पत्ति की दृष्टि से है, और इसीलिए इन्होंने कहा कि यदि पुरुषार्थता हेतु मानी जाती तो वो अनित्य हो जाती। क्योंकि इसमें पुरुषार्थ हेतु नहीं है, इसलिए मूल प्रकृति नित्य है और बाकी चीजें अनित्य है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जब आप जोड़ेंगे तो इनकी बात लगेगी, ये उस दृष्टि से कहना चाह रहे हैं। आप जिस दृष्टि से सोच रहे हो वो एक अलग दृष्टि है, उसका निषेध नहीं कर रहे, वो भी अपनी जगह कही जा सकती, दोनों में भेद करके देखना होगा। हो गया, बोलिए। बीसवें सूत्र में दूसरा पैरा है जो सदा ज्ञात विषयत्वम तो पुरुषस्य अपरिणामित्वम परिदीपयति, तो इसमें पुरुष का अपरिणामित्व दिखा रहे कि चित्त को सदा जानता रहता है, चाहे वो चित्त विषय को जानता हो या ना जानता हो, ये चित्त को जानता रहता है पुरुष। तो जिस स्थिति में असंप्रदात समाज है जैसे, उस समय चित्त को नहीं जानेगा, ऊपर स्थिति चलेगी, तो उस समय परिणाम माना जाएगा उसको, निरुद्ध अवस्था में जानेगा, फिर मुक्त में क्या करें है? जिस समय मुक्त हो गया आत्मा। नहीं, वो तो आप प्रश्न बदल रहे हो, पहले तो उस प्रश्न का उत्तर दो। उसके लिए तो है असंप्रज्ञात समाधि में, चित्त निरुद्ध है, उसको निरुद्ध अवस्था में जानता है, उसको पता है आत्मा को निरुद्ध है, निरुद्ध को निरुद्ध के रूप में जान रहा है, तो वहां तक तो हो गया। अब आपका प्रश्न आएगा कि भाई मुक्ति के अंदर, तो वहां परमात्मा की सहायता से सृष्टि को जानता रहता है, ये बंधन काल के लिए ही घटेगा, बंधन काल के लिए ही केवल इसको घटा रहे हैं, वहां तो घटेगा नहीं, सीधी सीधी बात है, वहां चित्त रहता ही नहीं है, वहां तो उसका जानना ही नहीं होता है। जब तक आत्मा के द्वारा जानने की बात होगी तब तक वो चित्त को जानता रहेगा, जिस प्रसंग में अधिकार बनता है, प्रसंग जो आता है वो उसमें हमेशा जानता रहेगा, वहां आगे चित्त है ही नहीं, प्रसंग ही नहीं है वहां पर, तो उससे उसका परिणामित्व तो नहीं आ जाएगा वहां के लिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि कभी चित्त को जान रहा है और कभी नहीं जान रहा है? बस वहां तो जान ही नहीं रहा है ही नहीं, बस जान ही नहीं रहा है, प्रसंग ही नहीं है। चित्त के होते हुए, चित्त के होते हुए चित्त को जानते रहना, वहां पर परिवर्तन नहीं आता है कि कभी जान रहा है और कभी नहीं जान रहा है, चित्त के होते हुए वो सदा जानता रहेगा। लेकिन जब चित्त ही नहीं है तो वहां तो जानने न जानने का प्रश्न ही नहीं है, तो उसको ऐसे नहीं जोड़िए कि जब तक चित्त को जानता है, चित्त को हमेशा जानता है इसलिए वो अपरिणामी है, ठीक है, लेकिन चित्त होता है तब के लिए बात है, चित्त ही नहीं है तो बात ही अलग होगी। जिस समय वो जैसे बिना मुक्ति अवस्था के शरीर जब छोड़ता है तब तो चित्त साथ में रहता है, तब भी तो नहीं जानता, तो तब उस स्थिति के अंदर इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, पर वहां वो मूर्छित अवस्था का हमारे को मिलता है उल्लेख, सुषुप्ति और मूर्छित अवस्था में। यूं तो हम अभी रहते हैं तब भी तो हम सुषुप्ति और मूर्छित अवस्था में रहते हैं उतने अंश में, तो ठीक है यहां भी घटेगा, वहीं क्यों, यहां भी आप उठा सकते हो कि भाई स्वप्न है, स्वप्न नहीं सुषुप्ति है या मूर्छा है, उस समय भी चित्त को नहीं जान रहा है, चित्त को उस समय भी उसी रूप में जान रहा है वो। तो अगर इस दृष्टि से कोई उल्लेख मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप वहां दोनों बातें देख सकते हैं, मूर्छित है नहीं जान रहा है, एक दृष्टि से कह रहे हैं ठीक है चित्त को जान रहा है, और चित्त को भी तो आत्मा इंद्रियों के माध्यम से ही जानेगा, गोलकों के माध्यम से ही जानेगा, नहीं तो वो जान नहीं पाता है। तो ये जीवन के समय में गोलक सहित जो हमारी स्थिति है उस समय के लिए बात कही गई है, वहां तो ठीक है, और इसको आत्मा की दृष्टि से देखिए, आत्मा को जोड़िए चित्त से और चित्त को विषयों से जोड़िए, जिस समय ये दोनों रहते हैं उस समय की बात है ये, तो
तो बुद्धि से विषय कभी ज्ञात और अज्ञात दोनों होते रहते हैं, लेकिन उसी समय समानांतर बुद्धि को आत्मा सदा जानता रहता है, उसी समय तुलना करके कहा जा रहा है। और जिस समय आप कह रहे हो कि मृत्यु के समय चला जाएगा, सूक्ष्म शरीर केवल रहेगा, तब तो बुद्धि भी विषयों को नहीं जान रही होती है। बुद्धि जब विषयों को जान रही होती है उस समय में ज्ञात अज्ञात होता है, और इसका ज्ञात अज्ञात नहीं होता है। बुद्धि का चित्त का विषय बाह्य शब्द स्पर्श आदि, वो ज्ञात अज्ञात होते हैं, और आत्मा का विषय बुद्धि वो सदा ज्ञात होता रहता है। जब विषय ही नहीं रहा और बुद्धि के विषय वहां पर नहीं रहे तो उस प्रसंगों को हटा दीजिए। जब ये दोनों रहते हैं उस समय में ये बात लागू होगी। और किन्हीं को पूछना है, पूछिए। अच्छा जी, ये महत्तत्व और अहंकार को इंद्रिय के अंतर्गत क्यों लिया? इंद्रिय में क्यों लिया? इंद्रिय का मतलब साधन होता है, इंद्र यानी आत्मा, उसका जो साधन होती है, सहयोगी होती है, उसको इंद्रिय कहते हैं, साधन को इंद्रिय बोलते हैं। तो आत्मा के ये साधन है तो उसके अंदर अहंकार के द्वारा सत्व की अनुभूति होती है, यानी अपनापन, उसमें साथ में जो अहंकार है, मैंपना है, उसकी अनुभूति अहंकार के माध्यम से होती है, वो उपकरण है, कार्य करता है, इसलिए वो इंद्रिय है। और बुद्धि के द्वारा निर्णय निश्चय होता है, उस रूप में वो साधन है, सहायक है, उपकरण है, इसलिए उसको इंद्रिय कहा जाता है। जो उपकरण है वो इंद्रिय है, ये दोनों भी इंद्रिय कहलाते हैं। तो जिस महत्त्व और अहंकार से प्रकृति बनती है, और जो हमारे जिस महत्त्व और अहंकार से विकृति बनती है आगे, और जो हमारे शरीर में है, हाँ, उनमें कुछ भेद होता है? समान ही होते हैं। रेशो कैसे सेट होती है? वे अनुपात कैसे सेट होता है? अनुपात ये तो परमात्मा की व्यवस्था है, कैसा अनुपात है, कितना रखना है, तो सब जगह आप प्रश्न उठा लोगे फिर तो, कि भाई कैसा है, तो बस यही कि उत्तर है, परमात्मा करता है। देखिए, मूल प्रकृति से जो महत्त्व और अहंकार बन गए, वो सारे के सारे तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसमें से थोड़ा सा लेके जितना हमारे लिए है, वो सूक्ष्म शरीर बना उतना बन गया और वो सबको मिल गया। फैक्ट्री के अंदर चिप बन रही है, सूक्ष्म शरीर चिप की तरह से, कंप्यूटर में चिप होती है ना, या तो मोबाइल में चिप बनती है। अब चिप में कई चीजें लगती हैं, घटक, अब उसमें तांबा या जो भी जो संयोग का होता है, जो कि सिलिका वगैरह जो भी होते हैं, जो आगे सूचनाओं को भेजते हैं, वो सब वो फैक्ट्री में तो बहुत सारे रखे हुए होते हैं, तो सारे के सारे किसी भी मोबाइल में या कंप्यूटर में आ जाते हैं क्या? नहीं, वहां से चुना जाता है, थोड़ा सा वहां लगाया जाता है, एक चिप बन गई, ये इसके लिए, ये इस मोबाइल के लिए, ये इस कंप्यूटर के लिए, अलग अलग हो जाती है। ऐसे ही मूल प्रकृति से महत्त्व बना, वो तो पूरे थोक काम है, फैक्ट्री के अंदर बल्क में है, वो तो थोक में है पूरा समूह, और उसमें से हमारे लिए जितना जितना चाहिए वैसा वैसा बन गया। अब यूं तो ये शरीर में भी, हमारे शरीर में जो पृथ्वी आदि भूत हैं, अब यूं तो देखो तो कितने सारे हैं। अब इसका अनुपात कैसा होता है? हमारे कर्मानुसार होता है। सूक्ष्म शरीर तो एक ही जैसा होता है सबका, स्थूल शरीर है, अपने अपने जो जैसा शरीर होता है वैसा हो जाता है। अब चींटी बनेंगे तो वैसा बन जाएगा, मनुष्य बनेंगे तो, और हाथी बनेंगे तो वैसा बन जाएगा, वो तो कर्मानुसार अनुपात होता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में जब ये होते हैं, जो दो तत्व आपने कहे, महत्त्व और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर सबका एक जैसा होता है, जो मूल रूप में मिलता है वो सबको एक जैसा होता है। फिर उसमें हमारे कर्मानुसार और संस्कार और वासनाएं, वो सब जो जमती हैं, अच्छी बुरी, उसके कारण से भेद आता जाएगा, लेकिन मूल रूप से एक ही है। जैसे कंपनी से सारे कंप्यूटर निकल करके आ रहे हैं, वो एक ही जैसे आ रहे हैं, एक जैसे, एक मॉडल के। अब अलग अलग घरों में गए, कार्यालयों में गए, वो वहाँ अलग अलग काम करते हैं, अब उसके अंदर जो जिसने जो डाल दिया है सब, वो सब एक जैसे थोड़े ना होते हैं। अब कोई कहे ये सारे कंप्यूटर एक जैसे हैं क्या? एक ही कंपनी का एक ही मॉडल निकल के 1,00,000 बिक गए, वो सब एक जैसे हैं या नहीं? एक जैसे हैं, एक जैसे कहाँ है? किसी में खोलते हैं तो किसी में से तो कुछ निकल रहा है, किसी में से कुछ निकल रहा है, किसी में कोई लिखा हुआ है, किसी में कोई संगीत है, किसी में कोई फिल्म है, अलग अलग है ना, तो एक जैसे क्यों कह रहे हैं? तो ये जो मूलभूत चीजें थी वो तो एक ही जैसी होती है।
अब ये अब व्यक्ति के प्रयोगकर्ता के ऊपर है कि वो उसमें क्या भरता है और क्या नहीं भरता है, कितना काम में लेता है, खाली छोड़ता है या कितना पूरा भी भर सकता है, अपना अपना है। तो मूल जो सूक्ष्म शरीर है वो सबका एक जैसा है। अब उसके अंदर जो कर्माशय संस्कार जो भी हमें भरना है, ज्ञान अज्ञान विद्या, वो सब हमारा अपने ऊपर निर्भर करता है, वो सबकी भिन्नता होगी। उस दृष्टि से सूक्ष्म शरीर भिन्न भिन्न होगा और स्थूल शरीर तो भिन्न भिन्न होता ही है कर्मानुसार। तो ये जो अहंकार और महतत्व दो चीजें आपका पूछ रही थी, उनका अनुपात वो परमात्मा जानता है, उसमें कौन सी चीज कितनी लगनी है, और उसको जानने से कुछ मतलब नहीं है। अपने को चिप के अंदर कितना तापा लगाया, कितने ग्राम लगाया, कितने तापमान पे उसको पिघला करके किया था, मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है जानने की। हाँ, जिनको बनाना है जो वैज्ञानिक है उनके लिए ठीक है, हमारे को तो काम में आता रहता है। तो किस अनुपात में, उससे आपको कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, जितना चाहिए उतना बना रखा है परमात्मा ने। ठीक है, और किसी को पूछना है? आगे देखिए। हाँ ओम ओम। सूत्र 21 के योग प्रकाश में ये सातवीं पंक्ति आई है। योग प्रकाश में? हाँ जी बोलिए। ये लिखी है, जो प्रकृति से बने पदार्थों में सुख है वह भी जीव में नहीं है। ये समझ नहीं आई। हाँ, उनका अभिप्राय ये है कि प्रकृति से जितने पदार्थ बने हैं उनमें सुख होता है। प्रकृति सत्वरस्तम से बनी है, तो सत्वरस्तम से प्रकृति यानी ये जो कार्य जगत बना है तो सत्व गुण है, तो उसमें सुख है। उनकी दृष्टि में बता रहा हूँ आपको, तो उनमें कार्य जगत में सुख है क्योंकि सत्व गुण भी है, त्रिगुणात्मक है। लेकिन वो सुख आत्मा में अपने आप में नहीं है, आत्मा उनके संपर्क में आता है उसको सुख अनुभव होता है, ये तो वो भी मानते हैं। आत्मा को सुख अनुभव नहीं होता ये तात्पर्य नहीं है उनका। आपके मन में प्रश्न इसलिए उठ रहा होगा कि उसमें लिखा है कि आत्मा में तो सुख होता नहीं है जबकि हम तो अनुभव करते हैं सुख, तो ये ऐसे कैसे लिख दिया। तो उनका तात्पर्य क्या है, आत्मा में स्वभावतः सुख नहीं होता, वो प्रकृति का है। आत्मा को सुख की अनुभूति प्रकृति के संयोग से इंद्रियों के माध्यम से होती है, इसका वो निषेध नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, आगे देखिए। तो सूत्र संख्या 22 प्रारंभ होगा। 21वें में कहा गया था, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का स्वरूप आत्मा के लिए है। तो आत्मा के लिए दृश्य का स्वरूप है, जिस आत्मा ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है तो दृश्य का क्या होगा। आत्मा ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया है तो अब दृश्य का क्या होगा, कुछ नहीं, बेकार हो गया वो। तो बेकार हो गया तो फिर क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा। इस बात को लेकर के आगे 22वां सूत्र है, उसकी भूमिका देखिए। तत्स्वरूपम तू, तत् का मतलब है दृश्य, दृश्य का जो स्वरूप है। पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम, पर का मतलब है यहां पर उस दृश्य से पर भिन्न जो है वो कौन है, पुरुष है, जीवात्मा है। तो तत्स्वरूपम, दृश्य का स्वरूप तो पर रूपेण, रूपेण का मतलब है यहां पर है दर्शनेन, पुरुषस्य दर्शनेन, पुरुष के दर्शन के द्वारा, पुरुष जो चेतन है उसके द्वारा जब देखा जाता है तब दृश्य का स्वरूप पुरुष के दर्शन के द्वारा प्रतिलब्धात्मकम अनुभूत स्वरूप में आता है। दृश्य का जो अपना रूप है, स्वरूप है, वो प्रतिलब्ध कब होता है, जब आत्मा के स्वरूप से वो देखा जाता है, आत्मा के द्वारा वो देखा जाता है तब वो उपलब्ध रूप में आता है। यदि आत्मा ना देखे तो दृश्य का क्या स्वरूप है, अपना होते हुए भी वो प्रकट रूप में नहीं आएगा, अपना होते हुए भी वो प्रकट में नहीं आएगा। जैसे बहुत से महल हैं, गुफाएं हैं, वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, पता ही नहीं है,
जंगलों में पड़ी थी और कहीं गुफाएं थी, बाद में जैसे अजंता एलोरा भी बाद में खोजी गई, पहले तो प्रकट थी फिर भूल गए लोग उसको, क्योंकि घूमते घूमते गए तो उनको दिखाई दे गई, फिर पता लगी, प्रसिद्ध हुई, अब सब लोग बहुत लोग जाते हैं वहां पर, पर्यटन केंद्र बन गया। तो कोई चीज होते हुए भी प्रकट कब होती है, जब उसका कोई देखने वाला होता है, नहीं तो प्रकट नहीं हो पाएगी, अभिव्यक्त नहीं हो पाएगी। उस दृष्टि से कह रहे हैं कि तत्स्वरूपम, उस दृश्य का स्वरूप प्रतिलब्धात्मकम, प्रतिलब्ध रूप में कब होता है, तो पर रूपेण, पर आत्मा के दर्शन के द्वारा, रूप यानी दर्शन के द्वारा वो प्रकट हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। आगे तो अब उस पुरुष के लिए भोगाप वर्गार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यते, जब भोग और अपवर्ग कर दिया है जिस दृश्य ने, जिस आत्मा के लिए भोगाप वर्ग की बात थी, उसके भोग और अपवर्ग सिद्ध हो गए, भोग पूरा हो गया है, अपवर्ग की प्राप्ति हो गई है, तो ऐसे में उस पुरुष के द्वारा पुरुषेण न दृश्यते, पुरुष के द्वारा उसका रूप दिखाई नहीं देता है, किसका, दृश्य का रूप दिखाई नहीं देता है। तो जब अब पीछे वाले हेतु को देखिए इनके, कि दृश्य का स्वरूप आत्मा के द्वारा देखे जाने पर ही उपलब्ध होता है, प्रकट रूप में आता है, नहीं तो वो नष्ट ही है, अप्रकट ही है। तो जब पुरुष ने भोग और अपवर्ग को पूरा कर लिया, या दृश्य ने पुरुष के भोगापवर्ग रूप कार्य को संपन्न कर दिया, तो पुरुष के द्वारा वो दृश्य नहीं देखा जाएगा, और नहीं देखा जाएगा तो दृश्य का स्वरूप कैसा होगा, नष्ट हो जाएगा। दृश्य का स्वरूप तो प्रकट ही तब हो रहा था जब पुरुष देख रहा था, जब पुरुष नहीं देख रहा था तो उसका क्या स्वरूप है, नष्ट हो जाएगा। तो भोगापवर्गर्थायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यते इति स्वरूप हानात अस्य नाशः प्राप्त, स्वरूप का हान होने से उसका भी नाश प्राप्त होने लगेगा, किसका, संपूर्ण दृश्य का। एक आत्मा ने देख लिया, अब नहीं देख रहा है तो वो नष्ट हो जाना चाहिए सारा का सारा, ऐसी कोई आशंका कर सकता है, तो उसको कहते हैं न तो विनश्यति, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है, उसका प्रकृति का दृश्य का अपना स्वरूप फिर भी बना हुआ रहता है। क्यों बना हुआ रहता है, कस्मात, तो इस प्रश्न का उत्तर सूत्र में दिया गया है। 22वां सूत्र देखिए, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्व, कृतार्थ के प्रति, कृतार्थ चरितार्थ, जिसने भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन को पूरा कर लिया है, जीवन मुक्त हो गया है या मुक्ति में जा रहा है, नितांत मुक्त हो रहा है, उसके प्रति नष्टम अपि, ये प्रकृति नष्ट हो जाती है, उसका क्षेत्र ही अधिकारी समाप्त हो जाता है, भोग और अपवर्ग उसको नहीं देती है, तो कृतार्थ के प्रति नष्ट होते हुए भी अनष्टम प्रकृति या दृश्य नष्ट नहीं होता है वास्तव में, क्यों, तदन्य साधारणत्व, उससे अन्यों के साधारण होने से, ये जो कृतार्थ था उसकी अपेक्षा अन्य तो अभी साधारण ही है, वो तो कृतार्थ नहीं हुए, तो उनके लिए तो ये चलता रहेगा। जैसे कि रेल किस लिए, बस किसके लिए है, हमारे लिए, यात्रा के लिए, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, उसके बाद में हमारे लिए नष्ट है, वो कुछ नहीं, बस गई, हमारे को क्या लेना था, वो कहाँ जाएगी, क्या आएगी, हमारे लिए नष्ट है। लेकिन एक व्यक्ति अपनी यात्रा करके उतर जाए, उसके लिए वो नष्ट हो गई, उसका ये मतलब नहीं है कि वो नष्ट ही हो गई, भी अन्यों की तो यात्रा चल रही है, उनकी चलती रहेगी। ऐसे ही कृतार्थ के प्रति ये नष्ट होते हुए भी अन्यों के लिए तो फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि अन्य साधारण है, अभी उन्होंने वो कृतार्थ नहीं हुए, उनके भोगापवर्ग पूर्ण नहीं हुए हैं। भाष्य देखिए, कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृष्टम नष्टम अपि नाशम प्राप्तम अपि अनष्टम तद अन्य पुरुष साधारणत्वात्। तो कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति, एक एक व्यक्ति अपना अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर लेता है, चरितार्थ हो जाता है, उसके प्रति दृश्य नष्ट भी हो गया है, नाश को प्राप्त भी हो गया है, तो भी वो अनष्ट रहता है, क्योंकि अन्य पुरुष साधारण होते हैं, इसका हेतु दिया गया, तद अन्य साधारणत्वात् हेतु है। ये सब आत्माएं अलग अलग हैं, सबकी कृतार्थता चरितार्थता अलग अलग होगी, एक ही नहीं है कि एक चरितार्थ हो गया तो सब चरितार्थ हो गए, यदि सब एक ही होते तो बस सभी एक होता चरितार्थ, सब चरितार्थ हो जाते, एक जैसा होता, लेकिन सबका भिन्न भिन्न है,
सब आत्माएं भिन्न भिन्न है। आगे कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम इति। तो कुशल पुरुष, कुशल का यही है जो उसे कुशल कहते हैं, चरम देह और कुशल पीछे शब्द भी आए थे, जिसने संस्कारों को दग्धबीज कर लिया है उसको कुशल चरम देह ये शब्द है। तो कुशल उस व्यक्ति के प्रति नाश को प्राप्त होते हुए भी अकुशल पुरुषों के प्रति न कृतार्थम, वो अभी चरितार्थ नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रकृति का प्रयोजन भोगापवर्ग था तो वो सब सब आत्माओं के प्रति था, एक के प्रति थोड़ा ना था, सब आत्माओं के प्रति अलग अलग उत्तरदायित्व था। तो बाकी तो बची हुई है अभी, तो वो चलती रहेगी। तो कृतार्थम अपि तेषाम दृशेः कर्म विषयताम आपन्नम लभते एव। तो उनके ये जो अकुशल हैं उनके दृश्य है, दृश्य का मतलब यहाँ पर दृश्य दर्शन शक्ति, दृश्य धातु है ये, एक का प्रयोग करके बस धातु मात्र का कथन है, दृश्य है दर्शन के। कर्म विषयताम आपन्नम, कर्म रूप विषय को वो प्राप्त होती है, कर्म कारक को प्राप्त होती रहती है, उसको देखता रहता है। तो दर्शन रूप क्रिया के कर्म विषयता को ये दृश्य प्राप्त, विषयताम आपन्नम लभते एव, उपलब्ध होता ही रहता है। कैसे? पर रूपेण आत्म रूपमिति। पर रूपेण को फिर यहां पर वही लिखेंगे, पुरुष की, पुरुष के दर्शन से, पुरुष के दर्शन के द्वारा आत्म रूप में प्रकृति अपने रूप में लभते एव लब्ध होती रहती है। पुरुष के दर्शन के द्वारा, पुरुष के चेतन के द्वारा देखे जाने से ये प्रकृति अपने रूप में प्रकट होती रहती है, विद्यमान रहती है। ये वही बात है जो भूमिका के अंदर कही गई थी, तत्स्वरूपम च पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम, यहां जो कहा पर रूपेण आत्म रूपमिति। आगे देखिए, अतश्च दृग्दर्शन शक्तियोर नित्यत्वात् अनादि संयोगो व्याख्याता इति। इसलिए दृक् और दर्शन शक्तियों के नित्य होने से, दृक् शक्ति आत्मा नित्य है ही और दर्शन शक्ति मूल प्रकृति दृश्य जो है वो भी नित्य है मूल, इनके नित्य होने से अनादि संयोगो व्याख्याता इति। इनके बीच में जो संयोग हो रहा है वो भी अनादि है, कभी भी ये चीज नहीं आ सकती कि प्रकृति और पुरुष का संयोग अब हुआ है, ऐसा कोई काल नहीं होगा, अनादि संबंध है। तो इसका तात्पर्य वही जैसे हमने पीछे लिया था, ये अनादि मतलब प्रवाह से अनादि है। प्रकृति और पुरुष का संयोग होता ही है, मुक्ति के बाद में होगा, शरीर को छोड़ देते हैं हम तो शरीर से छूट गया, दूसरा शरीर ले लिया, ये संयोग वियोग तो होता ही रहता है, लेकिन प्रकृति के साथ में जो ये संयोग वियोग है प्रवाह से अनादि है। ये संयोग सबसे पहली बार कब हुआ था इसका कोई काल नहीं है, इस दृष्टि से यह अनादि है। हाँ, संयोग और वियोग तो होता रहता है, इसका निषेध नहीं है। यदि हम नितांत स्वरूपतः अनादि मान लें तो स्वरूपतः नित्य भी रहेगा, कभी भी हट ही नहीं सकता है, फिर तो पूरा शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा, प्रकृति से मुक्ति की बात ही व्यर्थ हो जाएगी। तो ये संयोग होता है और वियोग भी होता है, फिर भी इसको अनादि कहा गया, ये प्रवाह से अनादि है, इसका कोई आरंभ नहीं है। और चूंकि इस संयोग का कोई आरंभ नहीं है तो इस संयोग का कोई अंत भी नहीं होने वाला है, प्रवाह से स्वरूपतः संयोग होता है और स्वरूपतः संयोग हट भी जाएगा, मुक्ति में चला जाएगा, लेकिन प्रवाह से ये संयोग अनादि है तो प्रवाह से ये संयोग अनंत भी रहेगा, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। मुक्ति में जाएंगे फिर संयोग हो जाएगा, तो कब से मुक्ति मिल रही है और बंधन में आ रहे हैं, न तो उसका कोई आरंभ है न उसका कोई अंत है, तो ये अनादि है, प्रवाह से अनादि है। तो अतश्च दृग्दर्शन शक्तयोः नित्यत्वात् अनादि संयोगो व्याख्याता तथा च उक्तम, अपनी बात की पुष्टि के लिए एक वचन दे रहे हैं, धर्मिणाम अनादि संयोगात् धर्म मात्राणाम अपि अनादि संयोगा इति। पिछले प्रसंग से तो केवल इतनी पुष्टि है, धर्मिणाम अनादि संयोगात्, धर्मियों के अनादि संयोग होने से, तो धर्मी में यहां पर आत्मा और मूल प्रकृति इनको लिया गया है, विशेष रूप से मूल प्रकृति की दृष्टि से कथन किया है, उसका तो अनादि संयोग है, ये पुष्टि हो गई। अभी के साथ साथ यहाँ इस पंक्ति में एक बात और कही जा रही है कि धर्मों का भी अनादि संयोग होता है। धर्म कौन है? तो धर्मी तो मूल प्रकृति हुई सत्वरस्तम, या धर्म का मतलब उनके
गुणधर्म नहीं कहे जा रहे हैं। या धर्म का मतलब है उस मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाले कार्य, जितने भी कार्य हैं उनको धर्म कहा जाता है, धर्म परिणाम कहा जाता है। जैसे मिट्टी चूर्ण के रूप में है, फिर मिट्टी पिंड के रूप में आ जाएगी, फिर वो मटके या सकोरे के रूप में आ जाएगी, फिर टूट जाएगी, वो कपाल के रूप में आ जाएगी और फिर चूर्ण रूप में आ जाएगी। तो मिट्टी कारण हो गई, इतने से अंश में कारण कार्य देखेंगे। मिट्टी कारण हो गई, पिंड उसका कार्य हो गया, पिंड कारण हो गया, घट उसका कार्य हो गया, घट कारण हो गया, कपाल उसका कार्य हो गया और फिर चूर्ण बन गया। तो अब ऐसे में धर्मी कौन है? तो धर्मी तो मिट्टी ही है इन सब में, जब चूर्ण रूप में थे, जब चूर्ण रूप में था तो ये चूर्ण धर्म था उसका, जब पिंड रूप में आ गई है वो मिट्टी तो पिंड धर्म से युक्त है, जब घट रूप में आ गई है तो घट धर्म में है, जब कपाल रूप में आ गई है तो कपाल धर्म में है और फिर चूर्ण रूप में आ गई। लेकिन धर्मी तो एक ही है यहां पर, मिट्टी। मिट्टी धर्मी एक ही है, धर्म बदले हैं मतलब ये इस रूप में इसको धर्म कहते हैं यहां पर। लेकिन हम दूसरे ढंग से कहते हैं कि भाई घड़ा भी एक द्रव्य है, उसको घड़े को हम धर्म ही बोलते हैं, धर्म नहीं बोलते हैं ना। सामान्यतः हम घड़े को क्या बोलेंगे? घड़ा को कहें कि धर्मी है या धर्म है? धर्मी कहेंगे, उसमें आकार प्रकार रंग रूप जो भी है वो उसके धर्म हो गए, भार है, स्पर्श है, इस रूप में तो यहां हम धर्मी बोलते हैं। लेकिन ये जिस संदर्भ में बात की जा रही है तो ये जो रूप परिवर्तन होते हैं ये कहलाते हैं धर्म, और जो मूल चीज है वो कहलाता है धर्मी। अब सोने से कितने भी आभूषण बना दिए तो इसमें धर्मी कौन है? स्वर्ण। और उस स्वर्ण से जितने आभूषण बने हैं, चाहे अंगूठी बनी है, चाहे हार बना है, और जितनी भी चीजें बन सकती हैं, वो सब जिस जिस आकार प्रकार में है जो हम उसको नाम देते हैं वो सब धर्म के रूप में कहलाते हैं। अब इस पंक्ति को देखिए कि धर्मी नाम अनादि संयोग, धर्मियों का अनादि संयोग है सत्वरस्तम और आत्मा का। लेकिन इससे धर्म मात्राणाम अपि अनादि संयोग इति, जो धर्म मात्र है जितने भी धर्म है। अब धर्म का मतलब क्या लेंगे? मूल प्रकृति से बने हुए जितने भी तत्व हैं वो अब धर्म शब्द से कहे जा रहे हैं, कार्य द्रव्य। उन धर्मों का भी, उन वस्तुओं का भी, उन कार्य द्रव्यों का भी आत्मा के साथ में नित्य संयोग है, प्रवाह से अनादि संयोग है। कभी इससे संयोग होता है, कभी उससे होता है, लेकिन संयोग होता रहता है। अंतःकरण से होगा, इंद्रियों से होगा, महाभूतों से होगा, तन्मात्राओं से होगा, ये सब होता रहेगा। तो धर्मों के साथ संयोग भी अनादि है, और अनादि के साथ साथ प्रवाह से अनादि हम जोड़ी लेंगे, ये प्रवाह से अनादि है। आगे तो जो पीछे एक सूत्र हमने देखा था हे हेतु वाला, उस हे हेतु का ही क्रम चल रहा है अभी। दृष्टि दृश्ययो संयोगो हे हेतु, ये सूत्र था। उसमें पहले उन्होंने दृश्य के बारे में बता दिया, फिर दृष्टा के बारे में बता दिया, फिर उससे संबंधित कुछ और सूत्र के, तो वहां एक शब्द और था संयोग। वो संयोग ही तो हे का हेतु था, उस संयोग के बारे में यहां बताया जा रहा है। तो दृष्टि दृश्ययो संयोगो हे हेतु, उसमें एक एक शब्द की व्याख्या चल रही है, तो अब संयोग के बारे में बता रहे हैं। संयोग क्या है? तो संयोग को वहां पीछे क्या कहा गया था? हे का हेतु है, दुख का हेतु है। तो हमें क्या करना चाहिए दुख से बचने के लिए? संयोग को हटा देना चाहिए, ठीक है? ये जीवन है, जीवन में दुखी दुख आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। शरीर के रहते ही तो होता है, ये गलत निंदित अर्थ है उसका, गलत तरीका है तात्कालिक रूप से। लेकिन मूलतः ये संयोग हे का हेतु है, ये मूल कारण इन्होंने बताया, वो हमें हटाना भी है। लेकिन क्या संयोग के प्रति हम केवल ऐसी नकारात्मक दृष्टि ही रखें? संयोग कैसा है? सारे दुख, दुखी तो हमारे सबका कारण है, दुखी के पीछे ही तो हम पड़े हुए, दुख को हटाना ही तो चाहते हैं और उसका कारण ये संयोग है। तो संयोग के पीछे हम क्या पड़ेंगे? लठ लेके पड़ेंगे, जूते लेके पड़ेंगे, या किसी और फूल लेकर के उसके पीछे पड़ेंगे? संयोग के पीछे हम कैसे पड़ेंगे, लठ लेकर के या फूल लेकर के? लठ लेकर के पड़ेंगे, है ना, वो ऐसा प्रतीत होगा।
तो एक एक हुई, इसको नष्ट कर देना है, इसका कचूबर निकाल देना है बिल्कुल, ये संयोग ही गड़बड़ कर रहा है सारी। तो अब उसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो यहां पर बताया जा रहा है। तो 23वां सूत्र है, स्वस्वामी शक्तियो हो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। ये संयोग कैसा होता है? स्वस्वामी शक्तियो, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति। स्वशक्ति कौन है? ये दृश्य, दृश्य दृश्य जगत, स्वशक्ति। और आत्मा है स्वामी शक्ति। स्व और स्वामी संबंध होता है ना, स्वस्वामी संबंध। तो देखो इन्होंने स्वस्वामी शक्ति कहा, स्वस्वामी संबंध कहा। और अध्यात्म किस पे टिका हुआ है? स्वस्वामी संबंध तोड़ने पे। स्वस्वामी संबंध नहीं तोड़ा है तो फिर क्या आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ वो? ठीक है ना, स्व और स्वामी शक्ति। तो जहां स्वस्वामी शक्ति हटाने की बात कही जाती है, वो अविद्या रूप स्वस्वामी शक्ति को निषेध करते हैं, तो प्रस्तुत नहीं करते उस तरह से, वो स्वस्वामी शक्ति मात्र को खंडित करने लग जाते हैं। पर तात्पर्य उनका अविद्या युक्ति होना चाहिए, क्योंकि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति तो हमारी है ही, स्वस्वामी शक्ति बता ही रखी, इसको कभी भी नहीं हटाना, ये तो है। और योगी या साधक व्यक्ति इंद्रियों को शरीर को स्व समझते हुए इनका स्वामी बनता है, इनको नियंत्रण में रखता है। स्वामी तो वही होता है ना जो नियंत्रण में रखता है, ये नियंत्रित रहते हैं, ये स्व है स्वामी के लिए होता है। तो योगी इनका उपयोग करता है ना, सामान्य व्यक्ति भी करता है, ये भी करते हैं, उचित उपयोग करता है सामान्य व्यक्ति, अविद्या रूप में करता है। वो इस शरीर को ही मैं समझ लेता है, शरीर को ही मैं समझ लेता है, इसको स्वस्वामी के रूप में कथन करके और स्वस्वामी संबंध हटाना ये प्रयोजन में आता है। लेकिन स्वस्वामी संबंध का जो शुद्ध अर्थ है वो तो स्वीकार है, वो तो हमें करना ही है, रखना है, वो तो बचा के रखना है, ये मेरा है, मेरे कर्म के अनुसार मिला है, उसका हमें उपयोग करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि परमात्मा ने नहीं दिया, परमात्मा ने दिया, ये तो साथ में रखना ही है। लेकिन परमात्मा ने ये शरीर हमारे लिए दिया या किसी और के लिए दिया है? परमात्मा ने ये शरीर हमें किसके लिए दिया है, हमारे लिए है दूसरों के लिए? हमारे लिए। ये तो कोई धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं हुई, परोपकाराय सताम विभूतयः, जो परोपकारार्थम इदम शरीरम। तो ये धार्मिक व्यक्ति को तो ऐसे सोचना चाहिए कि ये तो दूसरों के लिए दिया है, परोपकार के लिए दिया है। सज्जनों की तो विभूति होती है दूसरों के लिए, जो अपना सोचे वो धार्मिक क्या है कहेगा, और बिना परोपकार के धर्म कहां से। तो परमात्मा ने ये शरीर किसके लिए दिया है? अपने लिए, दूसरे के लिए? तो वही उपनिषद वाली बात है, हमारा सारा परोपकार भी हमारे लिए ही होता है, परोपकार परोपकार के लिए नहीं होता। परोपकार करने में हमारा ज्यादा हित होता है, मात्र हमारा हित नहीं होता, दूसरे का हित करते हुए हमारा हित होता है, इसलिए उसको परोपकार कह देते हैं। और जिसमें केवल अपना हित होता है उसमें परोपकार नहीं होता है, तो उसको तो नमकीन किसको कहते हैं? नमकीन जो मीठा ना हो, नहीं जिसमें नमक हो, नमकीन उसको कहते हैं, जिसमें नमक हो उसको नमकीन कहते हैं। इसका ये मतलब है कि उसमें नमक ही नमक होता है केवल, और कुछ होता ही नहीं है। तो जिसको हम परोपकार कहते हैं वो नमकीन की तरह से, उसमें परोपकार भी डला हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्वार्थ नहीं है, अपना नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन कथन उसको किया जाता है, क्योंकि दूसरा जो है वो तो बिना नमक वाला है, बिना परोपकार वाला है, वो तो शुद्ध स्वार्थ हो गया। तो जितना परोपकार है वो भी अपने लिए होता है, स्वार्थ के लिए होता है। और जितनी चीजें हैं, ये जो शरीर दिया है परमात्मा ने हमारे लिए दिया है, इस आत्मा के लिए दिया है। हम एक तरफ यूं कहते रहते हैं कि हमारे कर्म के अनुसार ये शरीर मिला है, जब हमारे कर्म के अनुसार मिला है तो फिर स्वस्वामी संबंध क्यों नहीं है, मानने में क्या हर्ज है ही। अभी अंतर विरोध रहता है, एक तरफ कर्मों के अनुसार कहते हैं कि हमारे को मिला है, दूसरे को उसको उसके कर्म के अनुसार मिला है, फिर कहते रहते हैं ये तेरा मेरा क्यों कर रखा है, भाई मिला ही हमारे कर्म के अनुसार है, परमात्मा की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था को क्यों नकार रहे हो, सम्मान कर लो दूसरे का, जैसा भी अच्छा है बुरा है,
जिसका जैसा है तो उसका उसने कर्म के अनुसार प्राप्त किया है, हमारे को हमारे अनुसार से मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो स्वस्वामी शक्ति तो है ही, इसको कोई भी निषेध नहीं कर सकता है, हटता ही नहीं है, ये रहेगा ही। और जो आत्मानम रथिनम विद्धि, रथि जो कहा गया, शरीरम रथमेव, तो आत्मा को रथी कहा गया। रथि कौन होता है? स्वामी होता है, रथ का चालक होता है, वो स्वामी होता है, हम स्वामी हैं इसके। योग दर्शन में कहीं इस ढंग से स्वस्वामी संबंध के खंडन का निषेध नहीं है, स्वस्वामी शक्ति बताई जा रही है। मिथ्या ढंग से जो हम अनात्मनी आत्मख्याति कर लेते हैं, जो शरीर मैं नहीं है उस शरीर को मैं समझ लेते हैं, जो धन संपत्ति मैं नहीं है उसको मैं समझ लेते हैं, जो परिवार मैं नहीं है उसको मैं समझ लेते हैं, उसका निषेध है, वो अविद्या है। लेकिन स्वस्वामी शक्ति हो, ये स्व और स्वामी की शक्ति है, इनकी स्वरूपोपलब्धि हेतु, इनके अपने स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वो कौन है? संयोग। हमें अपने स्वरूप की उपलब्धि करनी है, नहीं आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि, इसका तो कोई भी निषेध नहीं करेगा। स्वस्वामी संबंध भले ही खंडित कर दें, लेकिन आत्मस्वरूप की प्राप्ति का तो कोई निषेध नहीं करेगा। तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति कब होगी हमें? जब ये संयोग होगा। इतना अच्छा है ये संयोग। और स्वशक्ति की भी स्वरूप की उपलब्धि कब होगी? प्रकृति के भी स्वरूप की उपलब्धि कब होगी? जब ये संयोग होगा। प्रकृति के स्वरूप की उपलब्धि क्या है? जो भी रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इसका ज्ञान हो रहा है, ये सामान्य हो गया, हर किसी को होता है, ये बिना संयोग के नहीं हो सकता हमें। जब हम इस शरीर में आते हैं, हमारा संयोग होता है, तभी कर पाते हैं हम। मुक्ति को अलग छोड़ दीजिए, बाकी हम नहीं कर सकते, वहां तो ईश्वर की सहायता से करते हैं, वहां ईश्वर के साथ संयोग होता है, यहां प्रकृति के साथ में संयोग होता है। ये संयोग होने पर हम उपलब्ध होते हैं, इनको जानते हैं। और योगी लोग जो संसार में दुखी दुख देखते हैं, दुखमेव सर्वम विवेकिन है, वो संयोग अवस्था में देख पाते हैं या बिना संयोग के भी देख लेते हैं? वो भी संयोग से ही देख पाते हैं। प्रकृति का जो अपना स्वरूप है कि दुखमेव सर्वम विवेकिन है, या परिणाम ताप संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, जिसके कारण से उसको विवेक पैदा होता है, वो किससे होता है? इस संयोग से होता है। ये सकारात्मक दृष्टि, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग हो गई ना। इस संयोग के पीछे लठ लेके पढ़ना है या गुलाब लेकर के उसके पीछे पीछे जाना है, क्या लेकर के चलना है? तो वो एकांगी दृष्टि नहीं। ये संयोग हमारे लिए हितकर है, आत्मा का स्वरूप भी इसी से पता लगेगा और प्रकृति का स्वरूप भी इसी से लगेगा, यानी विवेक की प्राप्ति इस संयोग के बिना नहीं हो सकती। तो परमात्मा ने जो इस सृष्टि में हमें भेजा है, इस संयोग को कराया है, वो हमें दुख देने के लिए नहीं कराया, ये हमें विवेक प्राप्त कराने के लिए करा है, इनका स्वरूप हम जान सकें ठीक ठीक और फिर मुक्ति में चले जाएं, इसलिए करवाया ये। मात्र दुख देने के लिए नहीं है, ठीक है, कर्मानुसार मिलता है वो मिलता भी रहता है, लेकिन तो ये जो संयोग है स्वस्वामी शक्ति की स्वरूप की उपलब्धि का हेतु है, कारण है, ये इसकी अच्छी बात हो गई। आगे देखिए, भाष्य देखिए, इसी बात को कहा, पुरुषः स्वामी, ये स्वामी कौन है? पुरुष स्वामी। दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्तः, तो दृश्येन, दृश्य के साथ कौन है? स्वेन, जो कि स्वरूप में है स्वस्वामी, उसके साथ दर्शनार्थम संयुक्त है, देखने के लिए उससे संयुक्त होता है, जानने के लिए संयोग हुआ है। प्रकृति के साथ हमारा संयोग किस लिए हुआ? कि हम जानना चाहते हैं इसको। तो पुरुष तो स्वामी है, लेकिन सब पुरुषों को तो स्वामी नहीं कहते, पुरुष स्वामी है ना, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा हर आत्मा स्वामी है, लेकिन सब तो नहीं लिखते स्वामी, कौन लिखते हैं स्वामी, कौन लिखते हैं? तो वो बड़े स्वामी हो जाते हैं, स्वामी स्वस्वामी संबंध को वो अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनके आगे स्वामी लिखा जाता है, हम अच्छी तरह नहीं जानते। जो स्व है उसको हम स्वामी मान लेते हैं, ठीक ठीक स्वामी को नहीं जानते हम, ठीक ठीक स्वामी बन नहीं पाए हैं, इसलिए हमारे आगे स्वामी नहीं लगता है। हाँ, नकली सन्यासियों को छोड़ देना, वो तो कोई भी लगा लेगा स्वामी, या तो गोत्र भी होता है स्वामी, गोत्र भी होता है कुछ का, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो परंपरा से विधिवत जो स्वामी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो वैसे तो कहा जाता है कि जब सन्यास लेते हैं तो वित्तेष्णा मया त्यक्ता, पुत्रेष्णा मया त्यक्ता,
लोकेष्णा माया त्यक्ता, सारी उत्तरेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा सब छोड़ दी, तो बचा क्या जिसके ये स्वामी है? बल्कि उनके आगे से तो स्वामी हट जाना चाहिए था, लेकिन वो भी लगाते हैं और वो निंदा के रूप में नहीं लगा होता है वहां स्वामी शब्द, उनकी प्रशंसा के लिए लगा हुआ होता है। एक विशेष योग्यता होती है कि उन्होंने स्वामित्व किया है, मन के ऊपर स्वामित्व किया है, शरीर पर स्वामित्व किया है, इंद्रियों पर स्वामित्व किया है, नियंत्रण किया है, वास्तव में स्वामी बन गए हैं वो। हमारे पास तो उल्टा होता रहता है, अयस्कांत मणिकल्प होता रहता है, तो विषय हमारे को खींचते हैं, हम उधर चले जाते हैं, तो हम कहां स्वामी हुए? तो हमारी पूरी परंपरा में उस ढंग से स्वस्वामी संबंध हटाया नहीं। हमें पहचानना है कि हम स्वामी हैं वास्तव में, हम वास्तव में स्वामी हैं, ये हमारे को करना है, ना कि नहीं चलो मैं तो कुछ भी स्वामी नहीं हूं छोड़ो, तो स्वस्वामी संबंध मुक्ति में बाधक है। नहीं, हमें स्वामी बनना है, ठीक ठीक स्वामी बनना है, इस शास्त्र तो यही कहते हैं हमारे को। और जहां जहां स्वस्वामी संबंध का निषेध है, वो मिथ्या ज्ञान के रूप में जो हमने जो स्वामी नहीं है उसको, जो स्व है उसको स्वामी समझ लिया है, मिथ्या ज्ञान से युक्त तो होता है, वो तो हटा नहीं है, उतने ही अंश में तात्पर्य है, नहीं तो हमें तो स्वामी बनना है। तो पुरुष है स्वामी, पुरुष तो स्वामी है ही, कम या अधिक, भोगी व्यक्ति भी स्वामी होता है कुछ ना कुछ तो अपना। पुरुष है स्वामी दृश्य न स्वेन दर्शनार्थम संयुक्त, तस्मात संयोगात दृश्यस्य उपलब्धिर या सब होगा, तो तस्मात संयोगात, इसलिए इस संयोग के कारण से दृश्यस्य या उपलब्धि, दृश्य की जो उपलब्धि होती है किसको? स्वामी को। स्वामी दृश्य से संयुक्त हुआ और उस दृश्य की जो उपलब्धि हो रही है स्वामी को, उसको भोग कहते हैं। उपलब्धि ज्ञान जो भी हम प्राप्त करते हैं वो एक तरह का भोग है। अब इस भोग को भी दो भागों में बांटना होता है, एक मिथ्या ज्ञान से युक्त भोग होता है, वो बाधक होता है, वो निंदित भोग है, और जो अच्छे अर्थों में भोग है जैसे यहां प्रयोग किया, वो योगी को भी होता है, जीवन मुक्त भी जब देखता है सुनता है चखता है तो दृश्य की उपलब्धि होती है, उसको पता लगता है ये क्या चीज है, ये भी एक तरह का भोग है, लेकिन ये वो निंदित भोग नहीं है। वो आत्मा को प्रकृति से अलग समझते हुए भी जानता तो है, ये भी एक अर्थ में भोग है। यहां बहुत अच्छे अर्थ में भोग शब्द कहा गया, जो भी उपलब्धि ज्ञान हो रहा है ये एक तरह का भोग है। तो दृश्य से या उपलब्धि या सब होगा, आगे या तो दृष्टु स्वरूप उपलब्धि, और दृष्टा की जब अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है, जब वो अपने को स्वयं को जान रहा होता है, सो अपवर्ग है, ये अपवर्ग है, यानी दृश्य को न जान करके जब वो दृष्टा अपने को जानता है, केवल अपने में रहता है, ये उसका अपवर्ग है, उससे छूट गया है प्रकृति से, इसे अपवर्ग कहते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, इसको आगे फिर देखेंगे। प्रणाम।